नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के पंच प्रयाग। तो चलिए जानते हैं किन किन नदियों के संगम से कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध पंच प्रयाग हैं वो मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं, जैसे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। नदियों का संगम सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि नदियां देवी का रूप मानी जाती हैं। जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का संगम। सबसे पहले है विष्णुप्रयाग। तो देखिए दोस्तों, विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, वो है अलकनंदा और धौली गंगा का। और विष्णुप्रयाग कौन से जिले में आता है, ये आता है आपका चमोली जिले में। अगला है आपका नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में जो दो नदियों का संगम होता है वो है अलकनंदा और नंदाकिनी का, ये भी चमोली जिले में है। अगला है कर्णप्रयाग। तो देखिए, कर्णप्रयाग में जो संगम होता है वो है अलकनंदा नदी का और पिंडार नदी का, और दोस्तों ये भी आपका चमोली जिले में है। अगला आता है आपका रुद्रप्रयाग। तो देखिए, रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, वो है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का, और ये आपका आता है रुद्रप्रयाग जिले में। आपका पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, वो है भागीरथी और अलकनंदा का। दोस्तों, देवप्रयाग टिहरी जिले में आता है, और इस संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। पंच प्रयागों को समझने का एक और आसान तरीका है, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी आपको समझाऊंगी ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से तीन पॉइंट बनाए, पहला भागीरथी, दूसरा मंदाकिनी और ये तीसरा अलकनंदा। हम इन्हीं तीन नदियों में फोकस करते हुए इनको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अलकनंदा पे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान संतोपत ग्लेशियर है, और ये संतोपत ग्लेशियर कौन से जिले में आता है, चमोली जिले में, और यहाँ से अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होते हुए आती है। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, बद्रीनाथ से होते हुए अलकनंदा नदी आती है, फिर इस पे कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा। तो देखिए, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम होता है वहाँ पर बनता है विष्णुप्रयाग। फिर थोड़ा सा आगे जाने पर अलकनंदा नदी में मिलती है नंदाकिनी, और इन दोनों नदियों के संगम पर जो प्रयाग बनता है उसे कहते हैं नंदप्रयाग। आप थोड़ा सा और देखिए, इसको नीचे देखिए, फिर अलकनंदा नदी में किस नदी का संगम होता है, पिंडर नदी का, और इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है, कर्णप्रयाग। अब ये देखिए, अब हम थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखिए, इसमें अब है मंदाकिनी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मंदाकिनी है इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, चाराबाड़ी हिमनद, और ये कहाँ पर, ये ग्लेशियर आपका कहाँ पर है, ये आपका है रुद्रप्रयाग में। और देखिए दोस्तों, यहीं से मंदाकिनी जो नदी है ये केदारनाथ से होते हुए आती है, और ये नदी जब अलकनंदा नदी से इसका संगम होता है तो वहाँ पर जो प्रयाग बनता है वो है रुद्रप्रयाग। तो आपके दिमाग में एकदम से ये पॉइंट क्लियर रहेगा कि केदारनाथ कौन से ज़िले में आता है, वो है रुद्रप्रयाग, और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। अब देखिए दोस्तों, इस यहाँ पे ऊपर देखिए भागीरथी। अब आपने इसको देखना है कि भागीरथी जो नदी है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गौमुख, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये कौन से ज़िले में आती है, उत्तरकाशी। तो देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गौमुख, ठीक है, या गंगोत्री ग्लेशियर भी कह सकते हैं आप, और ये कौन से ज़िले में आती है, उत्तरकाशी से। और भागीरथी नदी का संगम जब अलकनंदा नदी से होता है तो वहाँ पर जो
प्रयाग बनता है उसे कहते हैं देव प्रयाग। तो देखिए दोस्तों, इस फ्लो चार्ट से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और इसमें आपके सारे पॉइंट भी क्लियर हो गए। इसमें देखिए आपका जिला भी कवर हो गया कि कौन सी नदी या कहाँ से आ रही है, कौन से ज़िले से आ रही है और कौन सा ग्लेशियर से उसका उद्गम स्थान है। दूसरा, कौन सा प्रयाग कौन से ज़िले में पड़ता है, ये भी आपका कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस फ्लो चार्ट से कवर हो जाएगी। अगर आप इसको इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, उत्तराखंड के पंच प्रयाग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।